दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में है, और अगर ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में है तो आपको बच के रहना है। अगर आप बच के नहीं रहोगे तो अचानक से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जो अचानक से आज हुआ वो शायद आपके एक महीने का प्रॉफिट लेके गया होगा, और कुछ लोगों के 15 दिन का लेके गया होगा, कुछ लोगों की पूरे साल की कैपिटल भी लेके गया होगा, क्योंकि ऐसा हुआ होगा। बट आप, मैं कहता हूं कि आप मॉर्निंग ट्रेंड को जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हो, बशर्ते कि आप कोई ऐसे इवेंट को प्रिडिक्ट करो जो आप भी नहीं समझ पा रहे हो। तो जब आप आफ्टरनून के बाद ट्रेड करते हो तो आपको सारे जो न्यूज़ होती हैं ग्लोबल मार्केट की उसको फोकस करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करेंगे बिना किसी देरी के कल के स्टॉक मार्केट की। मार्केट पूरी तरीके से देखिएगा, अगर आप देखेंगे निफ्टी की टोटल तेजी खत्म हो गई और 1000 पॉइंट देखिएगा गिरावट हुई है डे हाई, यानी कि जो डे हाई से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा 1000 पॉइंट आपको निफ्टी बैंक में कम होते हुए देखने को मिला। और इसकी सबसे बड़ी वजह आप देख सकते हो, जस्ट ये इस तरीके से हुआ कि वन वे फॉल आपको देखने को मिला, और वन वे फॉल के बाद आप समझ सकते हो जब अचानक से जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की गई होती है और आप ट्रैप हो जाते हो उसमें, निफ्टी में भी आप ट्रैप हो गए, तो निफ्टी में भी वन वे फॉल देखने को मिला जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, किसी के तो हिट भी नहीं हो पाए, टोटल लॉस हो गया। और इस तरीके के ट्रैप तब होते हैं जब स्टॉक मार्केट आपको ब्लाइंड कर देता है वन वे जाते हुए। तो कल के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ जो ये है कि कल मार्केट निगेटिव ओपन हो सकता है, आपको गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड मार्केट, ये इंडिया के बॉन्ड मार्केट की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के स्टॉक बॉन्ड मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन बॉन्ड मार्केट में अगर आपने देखा हो तो 0.5% 1% बहुत रेयरली ऐसा मूव देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको 1.5% का अप ट्रेंड देखने को मिला है। और बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट में इनवर्स रिलेशन होता है, अगर बॉन्ड मार्केट अप है तो स्टॉक मार्केट के लिए बैड न्यूज़ है, और अगर स्टॉक मार्केट अप है तो बॉन्ड मार्केट के लिए बैड न्यूज़ होती है। फिर अगर आप देखेंगे तो आपका हमारा जो करेंसी है इंडियन रुपीज़ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपका रोज नया डे लो बनता है। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट डे हाई बना रहा है कंटिन्यूसली, वैसे ही देखिएगा डे लो बना रहा है इंडियन रुपी। तो आप देख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन हमारी करेंसी और स्टॉक मार्केट में बहुत मेजर होता है। करेंसी अपोजिट चल रही है, स्टॉक मार्केट एकदम अपोजिट चल रहा है, वो बहुत ख़राब है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आपकी करेंसी से यहाँ पे डेफिसिट बढ़ता है तो बैंकों पे असर आएगा, फॉरेक्स पे असर आएगा, जो आप जानते हैं। तो ये कहीं से भी अच्छी अपडेट नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी की मैं बात करता हूँ, तो गिफ्ट निफ्टी 109 पॉइंट डाउन है, और ये कितना बज रहा है 8:33 पर। इस तरीके का देखिएगा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, और 81 पॉइंट निगेटिव ओपनिंग हो सकती है अगर गिफ्ट निफ्टी इतने पर ही क्लोजिंग देती है और इतने पर ही कल ओपन होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि कल मार्केट देखेगा जो निफ्टी है वो आपको गैप डाउन या फिर देखिएगा निगेटिव ओपन होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे एलिमेंट हैं। HDFC बैंक अभी तक डाउन है, अभी तक निगेटिव ट्रेड कर रहा है, इसके बाद रिलायंस में भी कोई एज सच बहुत बड़ा दम देखने को नहीं मिला। फिर एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो ये भी देखेंगे आपको कम से कम 1% के आसपास लगभग डाउन देखने को मिल रहा है। फिर आप देखेंगे तो ये अगर आप डाओ फ्यूचर्स को देखेंगे तो वो निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं, और इसके बाद एसेट कॉमोडिटी मंदी के कारण पूरी गिर गई हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल पूरी तरीके से यहाँ पे आपको डिमांड कंसर्न आता हुआ देखने को मिल रहा है। डिमांड कंसर्न मतलब देख सकते हैं कि कंपनियों के प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, कंपनियों के प्रॉफिट यानी कि बैंकों पे असर पड़ेगा, डिपॉजिट ग्रोथ पे असर पड़ेगा, और आपको पता है हमारी करेंसी और डे लो लगाएगी। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो होगा आपका 24,765 का। अगर ये टूटता है तो उसके बाद बड़ा फॉल आ सकता है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस होगा 24,940, यहाँ से फिर से बिकवाली आना शुरू होगी। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो सीधा देखेगा आपका 51780, और ये टूटता है तो 51 आपका देखने मिलेगा
880 या फिर 940, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लाएंगे निफ्टी बैंक के लिए। नीचे देखिएगा, आपको पता है अगर यहाँ पे 51,000 कहीं पर भी 51,140 के आसपास या फिर इससे भी नीचे निफ्टी बैंक मिल जाता है तो कॉल साइड जाना है, और अगर ऊपर मिलता है 740 के ऊपर तो आपको पुट साइड जाना है। राम राम।